हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। तो भाई अभी साइड पे आ चुके हैं और आज भाई 10 बजे आए भाई साइड पे, लेकिन आने में भाई डेली लेट हो जाते हैं। यहाँ भाई गांव में भाई रूम देख रहे हैं, अगर मिल जाए तो। गांव में भाई रूम अभी मिल नहीं पा रहा, आस पड़ोस में कहीं भी रूम मिल जाएगा भाई यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। फिर एक दो महीने जो भी इस पुल पे काम चलेगा आरीवाल पे, जब तक भाई यहाँ पे कमरा लेके रहेंगे। इधर सूरज भैया हमारे तेल पानी चेक कर रहे हैं रोलर का और एयर फिल्टर वगैरह साफ करेंगे। इधर टैंकर खड़ा है, पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है 3715। इधर बेबी रोलर, इधर ये वॉल्वो का रोलर। बेबी दोस्तों हमारी कंपनी का ये वॉल्वो रोलर सबसे पहला रोलर है। इधर बैकको खड़ी है, इधर मेरा ग्रेटर है, उधर वॉल्वो 210, इधर टाटा हिटाची 210। इधर भाई डल रहा है डीजल इस इंजन में, पंपी सेट में डीजल डल के भाई फिर टैंकर भरा जाएगा। ये कहीं खड्डे में से भरेंगे टैंकर। भाईयो सुबह से जब से मैंने वो लावी लास्ट क्लिप खत्म किया है तब से भाईयो ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं भाई। सुबह से गाड़ी वगैरह भी नहीं आई, थोड़ा एक्सावेटर का काम था। वो पिंकू भैया थोड़ा आगे करने गए, आपको दिखाता हूँ। चलो अरविंद यार, तो सुन मेरी बात, वीडियो मत बनाओ ना, साइकिल ठीक नहीं है अभी। साइकिल ठीक है, ना ना ना, वीडियो बात सुन। अच्छा चल ठीक है, नहीं बना रहे। इधर इधर को आगे को तो आ जा। अरे ना बना रहे भैया, आगे को तो आ जा, इधर को आ जा। आगे को कह रहे आज घेवर खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। वीडियो मत बनाओ ना, ना बन रही भैया। भाई मेरे ले आ घेवर, ला पैसे दो। पैसे मैं दूंगा, तू परसों से कह रहा है घेवर खिलाऊंगा, घेवर खिलाऊंगा। प्रसाद जी मंगाओ ना। अरे पैसा तो भाई आज सुबह से खड़े है भाई, कोई काम वाम था नहीं। फ्लाइयर्स भाई आज आए नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी गाड़ियों में। तो भाई कई आपके कॉमन क्वेश्चन रहते हैं कि ये फ्लाइयर्स क्यों पड़ती है फ्लाइयर्स। तो भाई फ्लाइयर्स का क्या ऐसा सीन रहता है कि जैसे मिट्टी है भाई, मिट्टी हो गई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, क्योंकि ये सारा एरिया जो है एनसीआर में आता है। एनसीआर में ना भी आता हो तो भी दोस्तों मिट्टी जो है कॉस्टली होती है। और भाई मिट्टी जहाँ से लाते हैं फिर जगह जगह भाई खड्डे होते हैं, मतलब डाउन ही तो हो रही है ना जगह, कहने का मतलब ये है। और रोड प्रोजेक्ट भी बनने हैं, रोड भी बनना है तो मिट्टी भी चाहिए, तो काम भी करना है। तो इसलिए क्या है, एनएचआई ने बोला है कि जितनी मिट्टी कम यूज हो सके उतनी आप कम यूज करो। तो फ्लाइयर्स क्या है, ये राख होती है एक्चुअली, जो थर्मल प्लांट में कोयला, कोयले से कोयले की जो राख होती है ना, वो ये राख होती है। थर्मल प्लांट होता है जहाँ बिजली बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों पानीपत में है थर्मल प्लांट पास में, तो ये जगह दोस्तों सोनीपत के अंडर आती है। और ये रोड जो बन रहा है भाई, ये बन रहा है सोनीपत से जींद के लिए। तो इस रोड पे भाई आरीवाल का काम चल रहा है। तो पानीपत यानी कि यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भाई फ्लाइयर्स आके यहाँ डलती है। तो मिट्टी का कम यूज हो इसलिए दोस्तों फ्लाइयर्स का यूज होता है। और दोस्तों इसमें प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि थर्मल वाले जो थर्मल होता है, एनटीपीसी जैसे थर्मल है, तो वो ये फ्लाइयर्स को उठाने का उल्टा और पैसा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मिट्टी खरीदने का दोस्तों पैसा देना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे मिट्टी का रेट आप मान लीजिए समथिंग हो चुका है, मतलब लीड के हिसाब से होता है। अगर लीड आपकी 10-15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है आपकी, जहाँ पे साइड पे जहाँ पे मिट्टी पहुँचनी है, तो आपकी मिट्टी का रेट है 50,000 रुपये, 55,000 रुपये, इस तरीके से 40,000 रुपये, जिस हिसाब से तय हो जाए। और बोरेरिया की लीड दोस्तों अगर कम है यानी 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो भाई लाख रुपये, 1,10,000 रुपये, ऐसा भी रेट है। हर जगह का अलग अलग हिसाब किताब है। तो भाई वो पैसा बच रहा है एक तो कंपनी का, और फिर दोस्तों ये जो फ्लाइयर्स है इसको उठाने का और उल्टा पैसा थर्मल वाले और उल्टा पैसा देते हैं, यानी कि वो एक डीजल का पैसा देते हैं कि ये उठा लो, क्योंकि उनके लिए तो वेस्ट है। कहाँ कहीं जगह गिरी हुई है उनकी, वहाँ बहुत ज़्यादा जगह गिरी हुई रहती है, तो जितनी वहाँ से ये ख़त्म हो जाएगी फ्लाइयर्स तो उतनी उनकी जगह स्पेस मिल जाएगा। तो इसलिए भाई ये फ्लाइयर्स पड़ती है, ठीक है ना। आप समझ जाओ फ्लाइयर्स यानी कि राख, कोयले की राख जो होती है, ठीक है ना, इसको फ्लाइयर्स बोलते हैं। तो ये आरीवाल पे दोस्तों बेसिकली यूज होती है। और दोस्तों इसका कंपैक्शन ज़्यादा रहता है, यानी कि वेट दोस्तों ये मिट्टी से भी ज़्यादा सह लेती है ये दोस्तों। इससे इसका ऐसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा गीली हो ना, कीचड़ टाइप भी हो रहा है, तब भी दोस्तों आप इसके ऊपर पैर रख के जा सकते हो। और मिट्टी दोस्तों तुम्हें पता, थोड़ी सी ज़्यादा गीली हो जाए, कीचड़ हो जाता है, उसके ऊपर पैर रख के आप नहीं जा सकते। तो इसलिए दोस्तों ये वेट भी ज़्यादा, मेरे हिसाब से ज़्यादा दोस्तों ले लेती है वेट भी। तो यही यूज है दोस्तों बेसिकली इसका। और भाई इधर खड़े हैं ग्रेटर एक्सावेटर, कोई काम नहीं है, बस एक्सावेटर ने भाई ये बराबर किया था थोड़ा, ये फ्लाइयर्स आई थी दिन में जितनी भी आई भाई। और कोई सवाल है भाई, ऐसे अच्छे अच्छे सवाल करते रहा करो किसी ना किसी व्लॉग में भाई, ऐसे उसका ही टॉपिक बना दिया करूँगा। इस मशीन का रेट बहुत पूछते हो भाई, ग्रेटर का रेट है मतलब समथिंग ये एक करोड़ 5 लाख 4 लाख ऐसी दोस्तों रेट है इसका, एक्स शोरूम कीमत है इसकी। और इस पर GST दोस्तों है 22-23 लाख रुपये, 24 लाख रुपये GST है, यानी कि मान लो दोस्तों ये फाइनेंस वगैरह करवा के दोस्तों 1.5 करोड़ से ऊपर पड़ जाती है ग्रेटर। कैट का 120 K2 मॉडल,
और दोस्तों इसका भी रिव्यू मैं जल्दी करूंगा टाटा एक्सकेवेटर का, आपकी काफ़ी ज़्यादा शिकायत आ रही है क्योंकि भाई मेरे को ना इसका इंजीनियर से मैंने दोस्तों इसकी ना वो सारी जो इसमें फीचर्स हैं स्पेसिफिकेशन की मैंने वो डिटेल मांगी हुई है, भाई अभी तक उसने भेजी नहीं। मैंने आज फिर फ़ोन करा था, बोला भैया मैं आधे घंटे में भेज रहा हूँ, तो देखते हैं दोस्तों अगर टाइम से भेज देता तो मैं इसका रिव्यू रिकॉर्ड करके एडिट करके भाई फिर डाल दूंगा। ये टाटा हिटाची है अपनी एक्सकेवेटर 210 और इसकी भी दोस्तों कीमत है 54-55 लाख रुपए है, बाकी स्टेट का अलग अलग हिसाब किताब रहता है, ठीक है। और दोस्तों आपको बात बताऊं, कैट पे ना बहुत भरोसा करते थे, मैं भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कैट लवर हूँ, लेकिन आपको बात बताऊं कैट दोस्तों पहले जैसा अपना मतलब कहते हैं ना कि जिसका नाम हो जाता है ना फिर वो उसमें चीज़ में बिगाड़ करना शुरू कर देता है ना पिंकू भैया, इसका क्या दोस्तों कैट का ना काफ़ी ज़्यादा नाम है। ये दोस्तों इसका एक कलर पता नहीं कैसा कर रहे हैं दोस्तों, जगह जगह से ऐसे कलर छूट रहा है जैसे पता नहीं वहाँ से पुताई करने वाले पेंटरों से करवा रखा हो। देख रहे हो कैसे कलर छूट रहा है। अभी मशीन को दोस्तों कितने दिन हुए, 2019 मॉडल मशीन है ये, लास्ट में मतलब दिसंबर में आई थी, एक डेढ़ साल हुआ इस मशीन को, ऐसे भाई इसका कलर छूट रहा है। ये देखो भाई इसका कलर, ठीक है ना, ये कैट की थोड़ी सी लापरवाही ना, ये देखो भाई इसका पूरा नाम खराब कर रही है, बिना मतलब इसको स्क्रैच किए हुए ना इसका ये इस पर पेंट किया हुआ है, नहीं तो इसका पेंट ऐसा रहता है ना सालों साल भी चमकता रहता है, कभी फेड नहीं होता इसका कलर। सबसे पहली बात तो ये कलर कभी फेड नहीं होता, किसी भी मशीन का आप देख लेना कलर फेड हो जाएगा, इस कैट का कलर फेड नहीं होता, लेकिन अब फेड होने की तो बात एक अलग की रही भाई, कलर छूट कैसे रहा ये देखो आप। और ये पूरा नंबर प्लेट का भाई पूरा छूटा हुआ था कलर, ये देखो कैसे पपड़ी बन बन के उतर रहा है कलर। ये दोस्तों क्वालिटी मतलब बिल्कुल इसमें लो कर दी इन्होंने क्वालिटी ये कलर करने में, और ऐसा इसका नहीं है, दूसरी मशीन का भी है हमारे पास, 2018 मॉडल भी है कैट ग्रेडर, मतलब मेरे पास नहीं भाई, मैं तो जॉब करता हूँ हमारी कंपनी में, तो उसका भाई ऐसी कलर छूट रहा है भाई। ग्रेडर से भी ये ब्लेड मार के भाई रास्ता बनाया है, और देखो इतनी देर में ये काम किया है भाई, ठीक है। और भाई इधर टैंकर चल रहा है, ये जो फ्लाइर्स में अभी आपको दिखा रहा था खड़े होकर जहाँ वीडियो बना रहा था उसके ऊपर, भाई देखो ऐसे टैंकर भाई फंसता है शुरू में, और जब फंस गया तो भाई निकालने के लिए डीजल भी नहीं है एक्सकेवेटर में, डीजल अभी आया नहीं है, और जा रहा भाई घर भी बंद करने घुमा इसे घुमा। एक भाई उधर फंसा हुआ है टैंकर, तो अभी जा रहे हैं भाई थोड़ा मार्केट में घेवर लेने के लिए, ये आज ये खिलाएगा घेवर अरविंद, है ना तू खिलाएगा आज? है आप तो बेटा पक्का तो ही खिला का। क्या रेट है गेवर? हाँ दीप तो खुश है, तब तो सकल दिखा देगा वीडियो में। देख तो भाई अब खाने का नंबर है गोलगप्पी, कौन सा खाएगा सूजी वाले के दूसरे सादा खाएगा? आ जाओ इधर आ जाओ, आगे क्या कर रहे हो? लो ऐसा गोलगप्पे खिला दो जरा बढ़िया, आज जो खाना बेटा वो खा लिया, और आज के बाद तूने किसी काम को मेरे को मना करा तो फिर तू देख भाई साहब मीडियम पानी दो तीखा पानी, नहीं भाई साहब मीडियम खिलाइयो हमें तो, इसे तीखा खिलाओ, अच्छा नहीं मीठा वाला खिलाना भैया हमें तो, इसे तो तीखा दो सही है, पहले तुम खाओ उसी में रखो मीठे मत खिलाना अच्छे हो। आज इतना खुश है अरविंद की क्या बताऊं, बस मैं बहुत ही खुश है, हाथ रख के ऊपर बैठा है उसको सही करके दबा के कहीं निकल के ना बग जाए। सूरज यार जैसी वीडियो मत बना, कैसी वीडियो तो ये सेड वुड सब देखते हैं तो क्या हो गया? अरे पागल सेठ जी ऐसे थोड़ी कहेंगे तुझे, खाने पीने को रोक रहा है कोई? वो भाई आ गए साइड पे, पूरे रास्ते छोड़ा नहीं, अब वजन लग रहा था उतारने में इसको, मैं कह रहा हूं उतारो कर लेंगे जब तुम सामान के शर्म लगे। हाँ को खाने को इतना दिल कर रहा है को क्या लग करो, इसके लिए नहीं कम रहना चाहिए आज पवन जी, जो ना आप लो बड़ा आज मुलायम से ज्यादा हो रहा है ना। लो भैया खा लो घेवर, आ जाओ बस यार, मजा नहीं आया यार, बहुत मुलायम हो रहा है यार ये तो, थोड़ा हार्ड हार्ड रहता है ये, बहुत मुलायम है, माथुराम ऐसे निकला, खा लो ना रोहित भाई। इधर वाले भाइयों ने सारों ने खा लिया गेवर, और अब भाई देने जा रहा है सोनू उस्ताद को ये डिब्बा। अरविंद रास्ते में अगर खुल ना जाए, रास्ते में कभी जेसीबी तक जाते जाते खुल जाए, दूसरा हाथ ऊपर से उठा के, हाँ दूसरा हाथ ऊपर उठा, दूसरा हाथ अलग कर भाई ये इतना अच्छा लड़का है, मतलब दिल लगाता रहता है पूरे दिन भर भाई, दिल लगा के रखता सबका, बातों पे इसकी हंसी आती रहती है भाई, ऐसा एक बंदा होना भी चाहिए, टाइम पास बढ़िया होता रहता है। तो उसके बाद में दोस्तों कुछ ये काम है हमारा, और ये आगे आके दोस्तों ये जाली लगी हुई है ना, जाली के ऊपर दोस्तों ये बैक रोटर ये फ्लाइर्स डाल रही है, एक्सकेवेटर में डीजल नहीं है इसलिए, तो भाई अब मैं इस पर बाइक ग्रेडिंग कर दूंगा, ठीक है। पीछे ग्रेडिंग करी हुई है ना, पीछे
ऐसी भाई ग्रेडिंग कर दूंगा इधर पूरी वहां तक। तो भाई बैठ कर दिया है ग्रेडिंग, और इसको करने के बाद भाई अब चलते हैं कमरे पे। कैंपर भाई और खड़ी है, देखते हैं और कितना टाइम लगाएंगे कमरे पे जाने को। तो भाई अभी चलने लगे हैं कमरे पे। पिंकू उस्ताद यहीं रुकेंगे दोस्तों, गाड़ी आ रही है ना फ्लाइयर्स की, भाई वो खाली करवाएंगे। एक्सावेटर पे एक ऑपरेटर चाहिए, आज रोहित भाई चले जाएंगे कमरे पे साथ में। कल ये रुके थे बेचारे, आज पिंकू भैया को रुकना पड़ेगा। ठीक है पिंकू भैया आ जाना फिर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पीछे भी फ्लाइयर्स के बारे में बताया था कि फ्लाइयर्स भाई ऐसे ऐसे आती है और फ्लाइयर्स उठाने का भाई पैसा मिलता है, तो आपके मन में भाई कई सवाल होंगे कि भाई ये पैसा कैसे मिलता है, कितना मिलता है, और ये इसका कैसे सिस्टम होता है, कैसे ये लिया जाता है इसका टेंडर फ्लाइयर्स का। तो भाई फ्लाइयर्स का ऐसा सिस्टम रहता है, जैसे हमारी कंपनी सागर रियल टेक है, हमारी कंपनी ने प्रोजेक्ट ले रखा है BGCC से, तो सारा जो काम है NHI का वो दोस्तों है BGCC का। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो दोस्तों फ्लाइयर्स का काम है, ये दोस्तों BGCC ने लिया है, मतलब NHI का वो दिखाना पड़ता है ना कि हम NHI पे काम कर रहे हैं ये वो। तो ये काम जो लिया है फ्लाइयर्स का BGCC ने लिया है वहाँ से डायरेक्ट। तो उन्होंने वहाँ पे दोस्तों एक स्पेशल कांटा लगाया है, उन्होंने क्वांटिटी के हिसाब से इनको फ्लाइयर्स दी है, यानी कि समथिंग ये मान लो कि 24 लाख क्वान्टिटी ऐसी 98 करोड़ रुपए में हुआ है जो भी इनका है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एक अंदाज़ा बताया है, 24 लाख क्वांटिटी 98 करोड़ में लिया है इन्होंने ब्रिज गोपाल ने, 98 करोड़ रुपए वो NTPC हमको उल्टा देगी इनको ब्रिज गोपाल वालों को, और फ्लाइयर्स भी देगी साथ में। तो वो फ्लाइयर्स उठा के यहाँ डालेंगे हम, और हमको दोस्तों मिलेगा इसका ट्रांसपोर्टेशन का रेंट, और ये कंपैक्शन करेंगे हम बेड पे इसका बिल। ये ऐसा दोस्तों सिस्टम है इसका। तो हमको दोस्तों जो मिलेगा रेट वो ब्रिज गोपाल वाले हमको देंगे, हमको वो पैसा नहीं मिलेगा जो फ्लाइयर्स वहाँ से उठ रही है, ऐसा सिस्टम नहीं है। हमको जो रेट देंगे वो ब्रिज गोपाल कंपनी देगी, ठीक है। तो ऐसा हिसाब किताब होता है, ऐसा नहीं है कि जो NTPC से हम फ्लाइयर्स ला रहे हैं वो उसका भी पैसा लें हम फिर ब्रिज गोपाल से भी लें, ऐसा नहीं भाई। उसका पैसा ब्रिज गोपाल लेगी, और फिर हमको जो रेट मिलेगा वो ब्रिज गोपाल से मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन का, वहाँ से यहाँ पे राख को ढोने का, और भाई बेड बना के देने का, कंपैक्शन करने का, उसका भाई जो भी रेट रहता है, ठीक है ना, जो भी रेट होगा इनका। मैं तुम्हें पता है कि रेट के बारे में भाई मैं नहीं बता सकता कितना रेट दे रहे हैं कितना रेट नहीं, तो ये कुछ दोस्तों पॉलिसी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों होता है फ्लाइयर्स का काम। तो भाई आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, अगर अच्छी तरीके से ना भी समझ में आया हो तो भाई प्लीज़ बता देना, कल फिर दोस्तों बता देंगे किसी ना किसी व्लॉग में, ठीक है ना। कि आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा सारी चीज़ दोस्तों, मैंने इसमें बता दी है। एक बात भाई इसमें ध्यान रखना, जितनी भाई फ्लाइयर्स आती है ना ये वेट होके आता है, हर एक गाड़ी भाई वेट होके आती है, क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी दे दी ना कि 24 लाख क्वांटिटी दे दी है, तो वो 24 लाख क्वांटिटी देंगे ना तो वो वेट से ही दोस्तों पता लगेगा कि कितनी क्वांटिटी आ रही है क्यूबिक मीटर में। दोस्तों मैंने आपको क्वांटिटी बताई है 24 लाख क्यूबिक मीटर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको व्लॉग ये पसंद आया होगा, कल फिर दोस्तों मिलेंगे आपको किसी नए व्लॉग में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो अच्छे अच्छे दोस्तों कमेंट करा करो, ताकि मेरे को बताने में मज़ा आए, जिस चीज़ के बारे में दोस्तों मेरे को नहीं पता होता मैं उसके बारे में भाई नहीं पता पाता, ठीक है ना। फिर मिलेंगे दोस्तों नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय।